A very, very good evening to everyone. कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम फर्स्ट क्लास? चलिए आज वापस से डू और डाई क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग के साथ करने जा रही हूँ. उससे पहले विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेशन के थोड़ी देर बाद ही 7 बजे हम लोग का सेशन खत्म होगा और 8 बजे लेट्स क्रैक नीट यूजी पर टेलीग्राम पर लिंक शेयर कर दिया है एनिमेटेड वीडियोस के साथ. जो है हम लोग आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कुछ सीरीज पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपके साथ डिस्कस करूंगी. मान के चलो 20 से 25 मिनट का सेशन होगा, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चंस पक्के हैं वहां से आपके. ठीक है, थैंक यू सो मच क्विच क्यू रंजन जी, आई एम गुड. ठीक है, शिवानी राजपूत, ओके. चलिए जल्दी से जुड़ जाइए सो वी कैन स्टार्ट विद द सेशन. जल्दी जल्दी से आ जाइए. मैं ठीक हूँ पहले के कंपेयर में, थोड़ा सा गले का इशू चल रहा है, वो थोड़ा सा रहेगा कुछ टाइम तक, दैट्स व्हाई. ठीक है मैम, क्वेश्चन सेशन नहीं होगा क्या? क्वेश्चन सेशन होगा ना, क्वेश्चन सेशन ही तो कर रहे हैं. रात 8 बजे बोल रही हूँ एनिमेटेड वीडियोस के साथ, लेट्स क्रैक नीट यूजी पर आपके साथ डिस्कस करूंगी मैं कुछ चीजें. ठीक है, मेक इट श्योर जरूर से आप सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं और जितना हो सके आप लोग उसको वायरल कर देना. और आज रात 9 बजे यही वापस सेम प्लेटफॉर्म पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वहां पर हम लोग शुरू करेंगे. इससे पहले कि मैं अपना सेशन शुरू करूं, मैं फटाफट से आपको अपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बता देती हूं. अगर आपको, मैं एक नंबर देख लूं मेरा मिल जाए मुझे, अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है, यस मिल गया, अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है, अगर आप एक सीरियस नई एस्पिरेंट और सिर्फ मेरे ऐसे वीडियोस देखकर नहीं, मेरी पर्सनल मेंटरशिप में, मेरी पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर अगर आप जुड़कर मेरे साथ पूरे साल भर नीट की तैयारी करना चाहते हैं, अपने मंजिल तक पहुंचने में, अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने में, अगर आप मुझे अपना हम सफर बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अन अकेडमी प्लस, जो कि हमारा पेड प्लेटफॉर्म है बेटा, आप वहां पर मेरे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं. अनअकैडमी प्लस पर क्या क्या चीजें, क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है आपको? रेगुलर लाइव सेशंस मिलते हैं, बट यहाँ के लाइव सेशंस हमारे यूट्यूब की तरह, यहाँ आप देख रहे हैं बहुत इंटरेक्टिव एक पैनल है, आपका मेरा 1-on-1 डिस्कशन यहाँ पर होता है. ठीक है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस इसके तरीके आप देख रहे हो, और इंडिया लेवल का टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है. और सबसे खास चीज जो है मेरे इस प्लेटफॉर्म की, वो है इसका अनलिमिटेड एक्सेस, यानी कि जस्ट विद अ सिंगल सब्सक्रिप्शन आपको, मैं भी पूरा वही बता रही हूँ, हु इज देयर हमद, पूरा आपको जस्ट विद अ सिंगल सब्सक्रिप्शन जो मैं बता रही हूँ, 50+ एडुकेटर्स यहाँ पढ़ाते हैं, वो सारे के सारे आपके लिए अनलॉक हो जाते हैं. आपकी मर्जी है, जिसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करे आप उनके साथ स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, आज 2 चैप्टर का मिक्स एंड मैच है. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल से स्टेप है, आप सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करेंगे. आप प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद वो आपसे आपका स्ट्रीम पूछता है, उसमें आपको नीट यूजी भरना है. नीट यूजी के बाद इस तरीके से सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस अवेलेबल है, 1, 3, 6, 12 and 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस अवेलेबल है. जितने ज्यादा ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन उतना ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, और वैसे भी नीट की तैयारी में 1 से 2 साल मुझे लगता है, सारी बातें बाद में करना, मैं पूछ लूंगी आपसे भी, 1 से 2 साल आपको लगेगा ही लगेगा. ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी चीज है, आप 1 ईयर या 2 ईयर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन को टिक करेंगे, क्योंकि 3 महीने का सब्सक्रिप्शन देखो 15,000 का, 3 महीने और एक्सटेंड किया, एक्सटेंशन आपको 1 या 2 साल का ही लेना पड़ेगा, तो 6 महीने में 30,000 देने पड़ेंगे, बट 30,000 में पूरा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आ जाता है. 1 ईयर की फीस में सिर्फ 1 महीने का पेमेंट आपको एक्स्ट्रा करना होता है, इस 1 मंथ के एक्स्ट्रा पेमेंट में आपको पूरा 1 साल फ्री मिलता है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा. तो आप जस्ट 2 ईयर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन, मेरे अकॉर्डिंगली 2 ईयर द बेस्ट ऑप्शन. मान लीजिए डेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है, पता लगा रिविजन सीरीज चल रहा है, आपको 1 महीने का एक्सटेंशन लेना पड़ा, वही 2 साल वाली बात हो जाएगी. और मान लो, मैं तो कहती हूँ ऐसा नहीं भी होता, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन भी हो जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपका ये जो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन वेस्ट नहीं जाता, डिस्काउंट के बाद आपको 1 मंथ का ही तो एक्स्ट्रा पे किया, यानी कि 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पे किया आपने, और डिस्काउंट के बाद 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट 27,000 है. 5,000 में कोई भी आपसे 27,000 का कोर्स कोई भी खरीद लेगा, इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. ठीक है, तो 2 ईयर इज द बेस्ट ऑप्शन, बट इफ यू विश यू कैन गो फॉर 1 ईयर ऑल्सो. क्या करना पड़ेगा?
इसको सब्सक्राइब करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसीड टू पे के पहले कोड आपको अप्लाई करना होता है, ऐसे गिफ्ट वाउचर टाइप बना होता है, कोड आप अप्लाई करेंगे। इस कोड को अप्लाई करने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, आपको सीधा सीधा फीस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोड क्या है, मेरा नाम शिवानी, शिवानी भी लगाओगे तो भी चलेगा, या फिर शिवानी के आगे मेरे नाम के आगे स्पेशल क्लास है ये, तो एसपी लगा देंगे, एसपी शिवानी, ये मेरा कोड है, स्पेशल क्लास का एसपी और शिवानी, ठीक है। तो एसपी शिवानी ये कोड लगाने से आपको फीस पर सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट मिलता है, प्लस आप डायरेक्टली मेरी मेंटरशिप में आ जाओगे, मेरे गाइडेंस प्रोग्राम में आ जाओगे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाओगे। नंबर यहाँ जो शेयर करूंगी, ये नहीं मेरा दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरे सुपर 80s, वैसे सुपर 80s आज पर डिमांड बहुत सक्सेसफुल जा रहा है, 80s तो कब से हो गए, मैं पार्ट टू शुरू कर रही हूँ 80 का, तो 100 स्टूडेंट तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो सुपर 80s का पार्ट बन सकते हैं आप मेरे, और उसके साथ पूरे साल भर मेरी मेंटरशिप में मेरे गाइडेंस के अंदर आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कोटा का टॉप मोस्ट स्टडी मटेरियल मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इन सब फायदों के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो कितने चैप्टर्स हो चुके हैं, अभी मेरा नया बैच शुरू हुआ है, सिर्फ 2 क्लासेस हुई हैं उसकी, तो आप अभी भी, दो भी नहीं, एक ही, एक क्लास हुई है, क्योंकि आज कुछ हुई नहीं थी, आज की क्लास, सिर्फ एक क्लास हुई है, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, नए बैच को ज्वाइन कर लो, ठीक है। आपका पूरा बैकलॉग मैं कवर करवाऊंगी, पूरा बैकलॉग मैं कवर करवाऊंगी आपको। मैं कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर मेरा दे देती हूँ, ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है, दिस इज माई हेल्पलाइन नंबर, 9549406721, दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरीज के लिए आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, ओनली सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरीज, ठीक है। और आप मुझे unacademy.com, यहाँ पर भी अगर आप मुझे मैसेज करते हो, मैं यहाँ पर भी रेगुलर देखती हूँ, unacademy.com@shivani1990। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लिया है, सुपर 80s में जुड़ना चाहते हैं, मेरा कोड करके लिया है, तो मेरा कोड जब आपने लगाया हो, प्रोसीड टू पे के पहले नहीं, उसके बाद का स्क्रीनशॉट लेके आपको इसका स्क्रीनशॉट मुझे इस दिए गए नंबर पर भेजना होगा, देन आई विल ऐड यू इन सुपर 80s, ठीक है। लैग हो रहा है, आई डोंट थिंक सो, लेट मी नो बच्चा, लैग हो रहा है क्या, नो लैग ना, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। लीफ टेंड्रिल्स ये आपको कहां मिलती है, दे आर फाउंड इन फॉलोइंग वर द ऑप्शन, प्लीज हिट द करेक्ट वन, लीफ टेंड्रिल्स आर फाउंड इन फॉलोइंग वर द ऑप्शन, हिट द करेक्ट वन। नो लैग मेरी तरफ से होता तो सबको होता है, आपकी तरफ से ही दिक्कत होगी बेटा। गीतिका पवार, दिस आर द टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑफ टूडेज सेशन, ठीक है। लीफ टेंड्रिल्स आपके पी के अंदर, ग्रेप वाइन, कुकुम्बर, सबके अंदर ऐसे वायर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होता है, लीफ टेंड्रिल्स सबके अंदर पाई जाती है, दैट्स व्हाई फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। एम्स 2018, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, इतना सारा मैसेज लिखोगे तो कैसे होगा। नेक्स्ट वन, कमेंट्स बंद कर दूं मैं। नेक्स्ट वन, आपको यूट्यूब की तरह ही पढ़ने की आदत होगी, प्लस वाले बच्चे ऐसे नहीं करते हैं, कमेंट्स क्यों बंद करना है भाई, ऐसे मत करो। चलिए, अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर टू द गिवन फिगर, यहाँ पर ये दे रखा है, इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढो। एम्स 2018 का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल वन। जल्दी जल्दी आ जाओ,
73 ऑप्शंस बहुत इजी है इसके। आज सैटरडे नहीं है ना बच्चा, कॉल टाइमिंग ओनली सैटरडे, क्योंकि आज मेरा दोबारा मेरे को सेशन वो एनिमेशन करना है, इसलिए आज मैं बिजी हूँ बहुत ज्यादा। सैटरडे आप लोग के लिए टाइम रखती हूँ मैं। डिमोटिवेटेड क्यों फील कर रहे हो भाई मिस क्लिक? दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट्स। प्रांजा, गीतिका पवार एंड भाव्या लखेरा, दिस आर द टॉप थ्री स्टूडेंट्स। सतवीश देवनाथ इज ऑन 9th, कशिश एस मुंडल, अभिदा, अथर्व, पंकज, सतवीश एंड कनिका। आज जगमीत नहीं आया है क्या? ठीक है, ये देखो भाई आपके पेटल जस्ट एक दूसरे को मार्जिन पर टच करें, ओवरलैपिंग बिल्कुल ना हो। दिस इज द वेलवेट एसेटाइजेशन। ऑप्शन ही सिर्फ एक दे रखा था, एक का वेलवेट, तो बहुत आसानी से क्लिक कर लिया होगा। ये आपका एक दूसरे को बाहर की तरफ से ऐसे ओवरलैपिंग होगी इस तरीके से, ये और ये बाहर से अंदर। दिस इज अ ट्विस्टेड एसेटाइजेशन। इम्ब्रिगेट में क्या होता है, एक को ये दो करेंगे, एक पेटल को ये दो ओवरलैप करेंगे, फिर इसको ये बाहर से, फिर इसको ये अंदर से बाहर। ये आपका वैक्सिलरी एसेटाइजेशन है। पोस्टीरियर मोस्ट पेटल सबसे बड़ा वैक्सिलम, दो एंटीरियर पेटल को जो ओवरलैप करता है, इट इज द विंग्स और एलियर, दो एंटीरियर पेटल इट इज द कील और करीना। फोर्थ विल बी द करेक्ट वन, वेरी इजी। ठीक है, ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस सेशन। इनफ्लोरेसेंस of which one of the following set completely develop into composite fruits, following were the option, ठीक है, following were the option, please hit the correct one. An academy.com @shivani1990 पर follow करके get notification कर दो, या फिर मुझे यहां पर भी follow कर लो, मेरा telegram channel है, यहां पर भी मैं link share करती हूँ सारी, और नोटिफिकेशन के लिए 43% ओनली unacademy.com। ये कॉन्टिन्यूशन में मेरे पास जगह नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा मुझे उधर, इसलिए मैं ऐसे इधर लिख रही हूँ। यहाँ फॉलो करके गेट नोटिफिकेशन ऑन कर दो बच्चे, दोनों को फॉलो कर लो मुझे टेलीग्राम पर भी और यहां पर भी। सिर्फ 50% दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट। कशिश, पंकज एंड विजय, दीज आर द टॉप थ्री स्टूडेंट्स ऑफ टुडेज सेशन। भाई आपका कंपोजिट फ्रूट की बात करें तो हम लोग डिस्कस करते हैं ना कंपोजिट, बाद में बातें बाद में करेंगे बच्चा, अभी प्लीज कोई बात ना करें। अपन फ्रूट पढ़ते सिंपल फ्रूट है, कंपोजिट फ्रूट है, ठीक है। आपके कंपोजिट फ्रूट की बात करूं तो एक तो है साइसोरोसिस एंड साइकोनस, ये आपका हाइपेनथोडियम से, फ्रॉम हाइपेनथोडियम, हाइपेनथोडियम से। ये आपका स्पाइक, स्पैडिक्स और कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस, फ्रॉम स्पाइक, स्पैडिक्स एंड कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस से। तो यानी कि आपका कंपोजिट फूड जो है स्पाइक, स्पैडिक्स, कैटकिन और हाइपेनथोडियम से होता है, ठीक है। स्पाइक, स्पैडिक्स, कैटकिन, स्पाइक, ठीक है, कोरियम नहीं है तो पहला ऑप्शन गलत, स्पाइक सही है, कैटकिन सही है, हाइपेनथोडियम दूसरा ही ऑप्शन सही है, फिर भी देख लो अम्बल नहीं है, गलत। इसमें कैटकिन सही है, स्पाइक सही है, बट कोरियम नहीं है तो ये भी गलत। सो सेकंड विल बी द करेक्ट वन। एम्स 2016 का क्वेश्चन है ये बेटा, ठीक है। सो सेकंड विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉल प्रोजेक्शन present on the surface of pineapple fruit represent, following were the option, please hit the correct one. 8 बजे मिलोगे, उसके बाद 9 बजे फिर मिलोगे। 8 बजे लेट्स क्रैक नीट यूजी यूट्यूब पर एनिमेशन के साथ पढ़ाऊंगी, ठीक है। और 9 बजे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये हम स्टार्ट करेंगे। नहीं, सिर्फ मॉर्फोलॉजी नहीं है, सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन भी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी बिल्कुल वो चलेगी ना बेटा, 8 बजे यूट्यूब पर, 9 बजे यहीं पर है, ठीक है। गीतिका पवार, भाव्या एंड भार्गवी मनीष, दिस इज द टॉप थ्री स्टूडेंट्स। आयुषी, साक्षी, कबीर, यूजर, मानसी, शिवम एंड समृद्धि, इनके सारे क्वेश्चन सही है, 4 out of 4,
चलिए भाई, इसको बोलते हैं परसिस्टेंट ब्रेक्स, पाल प्रोजेक्शंस जो निकलते हैं उसको ब्रेक्स कहते हैं। सो फोर्थ विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। प्लस पर मॉर्निंग 7:30 मेरे सेशंस होते हैं बच्चा। नेक्स्ट वन मॉर्निंग 7:30 AM, मुझे फॉलो कर लो मेरे पेज पर, आपको मिल जाएंगे नोटिफिकेशंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली मैच विद इट्स थ्री, करेक्ट मैच आपको बताना है। ओके, ह्यूमन फिजियोलॉजी का टेस्ट भी संडे को है, संडे को लेंगे हम। चैप्टर वाइज अभी शायद ह्यूमन फिजियो के अलावा भी और भी चैप्टर्स बच रहे हैं, इकोलॉजी भी होगा संडे को, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सुपर एटीज के साथ करेंगे, और भी बहुत सी चीजें बाकी हैं अभी, तो पहले वो करेंगे। 32% स्टूडेंट्स वर करेक्ट, रेस्ट वर रॉन्ग इन दिस केस। बहुत कम बच्चे जवाब दे रहे हैं। गीतिका पवार, भाव्या एंड जैनब खान, वेरी गुड फ्रॉम सुपर एटीज, आउट ऑफ 5 करेक्ट मैच पूछा है ना बेटा, ठीक है। पी की बात करें, C3 पाथ से होता है, सही है। पी के अंदर C3 एंडोस्पर्मिक सीड, नहीं बाबा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। टोमेटो की बात करें, बिल्कुल ट्विस्टेड एसेटाइजेशन का एग्जांपल है। एक्साइल, हाँ चाइना रोज, लेमन, टोमेटो सब एक्साइल प्रेजेंटेशन में, बेरी फ्रूट है, सही है, ठीक है। मेज C3 नहीं, C4 है, इसलिए गलत हो गया। ये C4 पढ़ते हैं हम। ऑनियन बल्ब तो सही है, एक्सेल एम्ब्रिकेट एसेटाइजेशन नहीं होता, इसलिए ये भी गलत। सेकंड विल बी द करेक्ट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सेकंड विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लैडोड इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ फॉलोइंग वर द ऑप्शन, प्लीज हिट द करेक्ट वन। क्लैडोड क्या है, एक फाइलॉड के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ जाता है, एक फाइलोक्लैड, ये सब सेम लगते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फाइलॉड, फाइलोक्लैड एंड क्लैडोड तीनों इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 23% स्टूडेंट है, ये नॉट अ गुड वन। टेस्ट का टॉपिक भी चाहिए तुम्हें टेलीग्राम पर, फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि भी एम्स के क्वेश्चन करवा रही हूं मैं मोस्टली, तो फिर वो क्वेश्चन तो आप आराम से ही पढ़ के आ जाओगे, इसलिए नहीं बताती। बैड रिजल्ट, ओनली 23% स्टूडेंट्स वर करेक्ट। भाव्या, जैनब खान, समृद्धि, ठीक है, दीज आर द टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑफ टुडे सेशन। श्रद्धा के भी तीनों के तीनों जवाब सही, 6 के 6 जवाब सही है, गुड। भई आप क्लैडोड की बात करें, इट इज अ मॉडिफिकेशन ब्रांच विद लिमिटेड ग्रोथ, लीव्स के अंदर मॉडिफाइड क्लैडोड, इसमें यही तो एग्जाम्पल ही पढ़ते हैं, एस्पार्जस और रस्कस। फाइलोक्लैड की बात करें, फाइलोक्लेड स्टेम मॉडिफिकेशन है, स्टेम मॉडिफिकेशन से इसमें ओपनशिया, यूफोर्बिया एंड कैक्टस, ये इसका एग्जांपल है, ओपनशिया, यूफोर्बिया एंड कैक्टस। फाइलॉड के अंदर ऑस्ट्रेलियन अकेशिया इसका एग्जांपल पढ़ते हैं, पीयू वो बाहर खेल रही है आज, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, सारे एग्जांपल याद होने चाहिए। क्लैडोड के लिए फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन, डिटेल भी पता होना चाहिए और इनका, ठीक है। Which, नहीं प्लस वालों को यूट्यूब वाले सेशन नहीं लेने हैं, प्लस पर सब कुछ है, 2020 वालों को लेने पड़ रहे हैं बस, 2021 और 2022 के लिए नहीं। विच वन इज सोर्स ऑफ कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट साइजियम एरोमैटिकम, फॉलोइंग वर द ऑप्शन, हिट द करेक्ट वन। I will explain this, don't worry. AIIMS का question है विशाल, very good। जैनब खान का ये भी सही है, very good। जैनब खान, very good बच्चा। समृद्धि, श्रद्धा पाटेदर, ठीक है, इनके सारे जवाब सही हैं। बाकी सूरज, भाव्या, सनी मलिक,
इनका एक एक क्वेश्चन गलत हो चुका है। गीतिका, कनिका, केवी एंड नेहा, इनके दो क्वेश्चन गलत हैं भाई। मैं टेलीग्राम लिंक बता रही हूँ। साइजियम एरोमेटिकम क्लोव लॉन्ग की बात कर रहा है। लॉन्ग जो है ये आपका अनओपन्ड, यस जैनाब खान मुझे पता है, सुपर इट इज मुझे याद है, अनओपन्ड फ्लावर बड, इससे ओपन, इससे बनता है। फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। पीडीएफ जी बिल्कुल मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सब। टेलीग्राम पे जो जो भी चाहिए ना मेरे को डिमांड भेजना, सब भेज दूंगी मैं तुम्हें, मैं खुद से भी भेज दूंगी, डाल दूंगी सब। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, डॉक्टर शिवानी भार्गव एसबी मैम के नाम से मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, विच वन कंटेन मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ स्टेम, मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ स्टेम कौन सा है, फटाफट से। क्वीन रंजन भेज दूंगी बच्चा, मिल गया था आपका कॉमेंट, पढ़ लिया था मैंने। मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ स्टेम, हिट द करेक्ट वन। आजकल रिजल्ट क्यों नहीं अच्छा आ रहा तुम्हारा? वेरी गुड जैनाब, इतने टफ टॉपिक में भी इतने जवाब सही दे रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। जैनाब, श्रद्धा, सूरज, जैनाब और श्रद्धा के सारे क्वेश्चन अभी तक सही हैं। सूरज, समृद्धि, सनी मलिक, इनके एक एक क्वेश्चन गलत हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, रिड्यूस फॉर्म ऑफ स्पर्म, बल्ब, बल्ब भी इसका एग्जाम्पल है। सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ लीलिएसी, लीलिएसी फैमिली के मेंबर में इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, हिट द करेक्ट वन। लीलिएसी का इन्फ्लोरेसेंस पूछ रहा है बच्चा। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, ओनली 34%, 50s में भी आपका आंकड़ा नहीं जा रहा है। एटलीस्ट मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करा रही ना वो सारे ऑन टिप्स कर जाना, बहुत हेल्पफुल होंगे, उतना ही करके जाना भी, ठीक है। एटलीस्ट वो क्वेश्चन तो एग्जाम में आ जाए तो गलत ना हो, मुझे पता है तुम लोग को हार्ड लगता है। वेरी गुड, वेल डन जनाब खान, सूरज पाटिल, जनाब खान, वेरी गुड, शी इज फ्रॉम सुपर 80s, वेल वेल डन बच्चा, जबकि बहुत लेट ज्वाइनिंग है, आउट ऑफ स्कोर कर रही है। सूरज पाटिल, समृद्धि, श्रद्धा एंड सनी मलिक, एक एक क्वेश्चन गलत हो चुका है, वेल डन बच्चे। लीलिएसी के अंदर तीन सेपल, तीन ही पेटल, छह स्टैमन प्रेजेंट होते हैं, तो ट्राइमेरस ही है ना, थर्ड विल बी द करेक्ट वन। फ्लोरल फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पर, किसका है देख लो, अच्छे से देख लो किसका फ्लोरल फॉर्मूला है। जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ प्रैक्टिस करवा रही हूं यहीं करते जाइएगा। हाँ, पीवाई की तो ऑन टिप्स होने ही चाहिए। ओके वैभव, बहुत पुराने हैं पर बेटा वो तब नीट नहीं चलता था, बहुत पुराना है, इससे अच्छा अपन एकेडमी ज्वाइन करो, दैट विल बी बेटर। और मेरा रिकॉर्डेड नहीं देखना पड़ेगा, मेरी मेंटरशिप में ही आप पढ़ोगे। सूरज पाटिल, जैनाब खान एंड समृद्धि, जैनाब का भी एक क्वेश्चन गलत हुआ है बट गुड वन। श्रद्धा का सारे इसके भी एक क्वेश्चन गलत हुआ है, यही वाला क्वेश्चन गलत हुआ है, फैमिलीज में यानी कि दिक्कत है। हाँ, मैंने अभी तक फ्लोरल फॉर्मूला, मैं टाइम निकाल के करती हूँ ये भी किसी दिन, फैमिलीज करती हूँ, ठीक है। ये आपका ब्रेसिक एसिड फैमिली जो है ना बच्चा, ब्रेसिक एसिड फैमिली का, ब्रेसिक एसिड का ये आपका फ्लोरल फॉर्मूला है, ब्रेसिक एसिड मस्टर्ड फैमिली, और ब्रेसिका कैम्पेस्टर इसी फैमिली का मेंबर है, दैट्स व्हाई फोर्थ विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वैसे ये मुझे भी नहीं अच्छा लगता फैमिलीज वगैरह, ये रटने वाला सेक्शन मुझे भी पसंद नहीं आता ज्यादा। अ फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ
कंडेंस्ड इनफ्लोरेसेंस, कंडेंस्ड इनफ्लोरेसेंस से कौन सा फ्रूट डेवलप होता है? फॉलोइंग वर द ऑप्शन, हिट द करेक्ट वन. इजी है, सिर्फ लैंग्वेज घुमाई है उसने, अदरवाइज क्वेश्चन इजी है. This is the leaderboard results. Suraj Patil, Zainab Khan, Samruddhi and Shraddha. एक एक question गलत है. Arnav, Sunny Malik, दो question. Neha, Nachiket, Rishika, Alauddin Shah, तीन question गलत. Condensed inflorescence, भाई simple fruit और aggregate fruit तो single flower से बनता है, complete inflorescence से नहीं. Inflorescence से बनता है composite fruit. That's why third will be the correct one. ठीक है. Next. वेलेमन, इट इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो कहां पाई जाती है? वेलेमन कहां पाई जाती है? हिट द करेक्ट वन. वेलेमन विच इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फाउंड इन फॉलोइंग वर द ऑप्शन, प्लीज हिट द करेक्ट वन. प्लीज डोंट आंसर, सो हिप डोंट आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स. फिफ्टी फाइव परसेंट स्टूडेंट. सूरज पाटिल, समृद्धि एंड श्रद्धा पाटेदर और जैनब खान, इनके अभी तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है. दिस आर द टॉप फोर स्टूडेंट्स ऑफ टुडे सेशन. ठीक है, आपको वेलेमन के लिए मैंने बताया एरियल रूट ऑफ ऑर्किड्स में होता है, ये आपका एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेती है. ठीक है, इट अब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, इसके लिए होती है वेलेमन ये टिश्यू. सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन फॉर दिस, फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच फैमिली 9+1, 9 भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एंड्रोशियम कंडीशन इज फाउंड, किस में देखने को मिलती है? ओके, हिट द करेक्ट वन बच्चों. सिंपल है ये वाला, ये तो याद होना चाहिए एटलीस्ट. इस चैप्टर से फ्लक्चुएट करता है, कई बार 3 भी आ जाते हैं तो कई बार 5 भी आ, 3 से 5 मान के चलो. इब्राहिम, डोंट डू दैट, दिस फिर मैं ब्लॉक कर दूं आपको भी. लास्ट वार्निंग, अभी ब्लॉक किया, मिसक्लिक हो गया जनाब, रैंक गिर गया होगा बच्चे. सूरज पाटिल, ये देखो रैंक गिर गया. सूरज पाटिल, श्रद्धा, अर्णव. सूरज और श्रद्धा के अभी तक सारे सही हैं, ये टॉप 3 से 5 में आ गई हैं जनाब खान. चलिए कोई बात नहीं, आपने तो सही किया ना. 9+1 एंड्रोशियम किसके अंदर प्रेजेंट होता है भाई? पैपिलोनेसी फैमिली के मेंबर्स के अंदर. वही तो होता है आपका स्टैमन जो है 9 तो फ्यूज होते हैं, टोटल 10 होता है. 9 ब्रैकेट का मतलब होता है फ्यूज, 9 फ्यूज और 1 फ्री होता है, तो पैपिलोनेशियस के अंदर होता है. सेकंड विल बी द करेक्ट वन. ठीक है शिवानी, यही मेरा नाम है और यही मेरा कोड है. एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर इज, कॉलीफ्लावर का एडिबल पार्ट कौन सा है? हिट द करेक्ट वन. कॉलीफ्लावर, वेरी सिंपल 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 सिंपल. थर्टी सेवन ओनली. डॉक्टर शिवानी भार्गव, यस कोटा से हूं मैं. सूरज पाटिल, एक क्वेश्चन गलत हुआ है सिर्फ.
अर्नव श्रद्धा जैनाब, जैनाब का भी वैसे एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है, मिसक्लिक हो गया था इनका। दिस इज द टॉप फोर स्टूडेंट एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर, बंद गोभी फूल, गोभी फूल ही तो खाते हैं उसका, दैट इज द इन्फ्लोरेसेंस। फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन, इन्फ्लोरेसेंस इज द एडिबल पार्ट इन दिस, फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट, ओपनशिया के अंदर स्पाइन्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, हिट द करेक्ट वन। ओपनशिया के अंदर स्पाइन्स किसका मॉडिफिकेशन है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। स्टेम्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, सॉरी स्पाइन्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, अधिकतर बच्चों ने सिली मिस्टेक की है इस क्वेश्चन में, बट एक्चुअली से सिली मिस्टेक नहीं कहते, एग्जामिनर का जानबूझ के फेंका गया जाल होता है जिसमें आप फंस जाते हो। 54% बच्चों ने गलती करी है और ये ओनली 36% आर करेक्ट इन दिस केस। इब्राहिम नहीं सुन रहा है, इब्राहिम को ब्लॉक करना पड़ेगा भाई। बताया था भाई, सूरज, अर्णव, श्रद्धा एंड जैनाब, दीज आर द टॉप फोर। नचिकेत, अलाउद्दीन, समृद्धि, खुशी, कनिका एंड कबीर, दीज आर द टॉप 10 स्टूडेंट्स ऑफ टुडेज सेशन। ठीक है, ओपनशिया फाइलोक्लेड का एग्जांपल है, ओपनशिया यूफोबिया कैक्टस। ठीक है, स्टेम मॉडिफिकेशन है, ठीक है, तो आपने स्टेम मॉडिफिकेशन टिक कर दिया। इसमें स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू फ्लैशी फ्लैट एंड फ्लैशी सिलेंड्रिकल लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, और लीव्स जो हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, क्योंकि स्टेम तो लीव्स में मॉडिफाई हो गया है, और लीव्स जो हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। सो थर्ड विल बी द करेक्ट वन, फाइलोक्लैड, ओपनशिया, यूफोबिया, कैक्टस, दैट्स व्हाई थर्ड विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, एज आई टोल्ड यू 100 से ऊपर बच्चे होते हैं तो आपको सिर्फ 100 तक ही रैंक शो करती है, 100 के नीचे ऊपर नहीं करेगी, तो कितने भी 100 के ऊपर 1000 फर्क नहीं पड़ता, 100 तक ही रैंक शो करेगी, और बच्चे ऑब्वियसली 100 से ज्यादा ही होते हैं ऑलमोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लांट हैज अ बटरफ्लाई शेप फ्लावर विद वन स्टैंडर्ड, टू विंग लाइक एंड टू कील पेटल, द प्लांट्स बिलोंग टू विच फैमिली, वेरी इजी एंड इट should be on your fingertip, it is very 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 important from your examination point of view. लिंक पहले भेज दिया करूं मैंने, लेकिन अनाउंस तो मैं 2 दिन से ही कर रही हूँ बच्चा, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ। सूरज पाटिल, अर्णव, श्रद्धा पाटिदर, दीज आर द टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑफ टुडे सेशन, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ आपको मेरे बच्चों कि unacademy.com यहाँ पर फॉलो कर लो, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, टेलीग्राम तो ज्वाइन कर ही लो, बाकी यहाँ मुझे फॉलो करके गेट नोटिफिकेशन का बटन ऑन करना मत भूलो। unacademy.com @shivani1990 पर फॉलो करके गेट नोटिफाई, गेट नोटिफिकेशन के बटन को क्लिक कर दो, सेशंस की सारी डिटेल्स मिलती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज द एंकरिंग जंक्शन बिटवीन द सेल, एंकरिंग जंक्शन बिटवीन द सेल, फॉलोइंग वर द ऑप्शन, एम्स 2010। अधिकतर बच्चे गलत कर रहे हैं, क्या हो क्या गया है तुम लोग को, 36% ओनली दे वर करेक्ट, बाकी सारी तादाद गलत है, 50s में भी नहीं ला रहे हो। नहीं हुआ अभिजीत, आज रात 9 बजे है रिप्रोडक्टिव हेल्थ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, और 8 बजे वाला सेशन लेट्स क्रैक नीट यूजी पर मिस मत करना, 20-25 मिनट का वीडियो है, 1-2 क्वेश्चन आएंगे और सारा एनिमेशन के साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है, सूरज पाटिल, अर्णव एंड श्रद्धा, दीज आर द टॉप 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, थ्योरी थ्योरी थ्योरी, आज एमसीक्यूज तो हमने किए थे, आज थ्योरी करेंगे, डोंट वरी,
प्लांट ह्यूमन फिजियोलॉजी कोई चैप्टर डिमांड करो ही मत, मैं खुद करवा रही हूँ सारा। एंकरिंग जंक्शन इट इज द डेस्मोसोम्स को कहते हैं, ठीक है। आज शर्म आ रही है अपना रिजल्ट देख के रेशा। नेक्स्ट, सैटेलाइट ऑफ क्रोमोसोम इज, फॉलोइंग वर द ऑप्शन, सैटेलाइट ऑफ क्रोमोसोम, यस यस यस, हिट द करेक्ट वन। प्रीमियर नहीं भैया, लाइव आऊंगी, लाइव आऊंगी, एनिमेशन के साथ पढ़ाऊंगी, बहुत मजा से पढ़ेंगे हम। और ये एनिमेटेड वीडियोस का सीरीज कंटिन्यू रहेगा कल के बाद, लेकिन टाइमिंग हो जाएगी रात 10 बजे नीट डेली डोज के तड़के के टाइम पर, ठीक है। दिस इज द 25% ओनली, हे भगवान। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्यों करा रही हूँ बेटा। सूरज पाटिल, अर्णव एंड श्रद्धा पाटिदर एंड जैनाब खान, नचिकेत, अलाउद्दीन, नेहा, कनिका, खुशी एंड गीतिका पवार, ये सब है। नहीं, 8 बजे वाला सेशन यूट्यूब पर है, 9 बजे वाला सेशन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर होगा, ठीक है। तड़का फिर से लगेगा, कल से लगेगा, एनिमेटेड वीडियोस के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 20-20, 25-25 मिनट के सेशन, लेकिन क्वेश्चन जबरदस्त आएंगे वहां से, ठीक है। लाइव लाइव पढ़ाऊंगी बाबा, प्रीमियर नहीं, प्रीमियर मतलब रिकॉर्डिंग कर ली और वो चला दी, लाइव मतलब हम लोग लाइव रहेंगे, जैसे अभी आप मुझसे लाइव पढ़ रहे हो, ठीक है। सैटेलाइट ऑफ क्रोमोसोम भाई, इट इज द, ये आपका सैटेलाइट जो है, डीएनए तो डेफिशिएंट होता है और आरएनए में रिच होता है, हम लोग पढ़ते तो हैं ट्रांस, इसका ये वाला साइट होता है सैटेलाइट क्रोमोसोम एंड ऑल, तुम लोग को लगता है ये पढ़ाना पड़ेगा मुझे, ये भी फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। सेमी परमिएबिलिटी की प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है, ये बहुत इजी है, इसमें 90% के ऊपर आंकड़े ले जाओ भाई। द प्रॉपर्टी ऑफ सेमी परमिएबिलिटी बिलोंग्स टू 90% के अबव होना चाहिए ये तो। और अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है, जिन भी स्टूडेंट्स का टारगेट ईयर नीट 2021 या 2022 है, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर प्लस चैनल वाया यूजिंग माय कोड, मेरा नाम लिखेंगे शिवानी और इस नाम के आगे मेरा स्पेशल क्लास का एसपी लगा दो, सिर्फ शिवानी लिखोगे तो भी चलेगा। उसका स्क्रीनशॉट मुझे इस दिए गए 9549406721 पर भेज दीजिए, 10% का डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा और भी बहुत सारे फायदे हैं जो आप मुझे यहाँ पर भेजने से मिलेंगे। और सब्सक्रिप्शन रेट किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट, सूरज पाटिल, अर्णव एंड श्रद्धा पाटिल, भाई बहुत सिंपल है, सेमी परमेबिलिटी ये बिलोंग्स किसका प्रॉपर्टी है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल, सेकेंड विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ सेल सरफेस दैट इज impermeable for ions is, following were the option, okay, that is impermeable for ion is, following were the option, please hit the correct one, but impermeable for ions, आउट ऑफ सिलेबस नेम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है आज। तुम लोग का चैप्टर मैंने पढ़ाया ही ना, सेल डिवीजन मैंने पढ़ाया भी नहीं है तुम लोग को। सूरज पाटिल, अर्णव एंड जैनाब खान, दीज आर द टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑफ टुडे सेशन। भाई पोरिंस जो है, पोर्स जो है, सिर्फ वहां से आयन परमिएबल होता है, बाकी द परसेंटेज 99.9% तो इम्परमिएबल ही है, बाकी पोरिंस और पोर्स के थ्रू ही आपके आयन्स निकलते हैं, तो इम्परमिएबल पूछा है आयन्स के लिए, तो 99.9% सरफेस इम्परमिएबल ही है, सेकंड विल बी द करेक्ट वन। एम्स 2011 के अंदर पूछा गया है, सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट, ये बहुत इजी है, एम्स 2012, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, गुलाब जामुन इन कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन, प्रोटीन इन प्रोटीन आइसबर्ग्स वाला, वो किसने दिया ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, किसने दिया था बताइए। ओके किट्टू,
एनसीईआरटी से मिला. यस इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वेरी वेरी सून. अभिजीत सिंह बिल्कुल संडे को है ना, मैं क्लासेस लॉन्च कर चुकी हूँ. अरे भाई unacademy.com@shivani1990 पर फॉलो कर ही लो, तुम लोग को पता नहीं चल रहा. 3 क्लासेस में लॉन्च कर चुकी हूँ अनअकेडमी पर, संडे के लिए भी, कल भी है. दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट. सूरज पाटिल 2, 2 क्वेश्चन गलत. अर्नब और जैनाब खान के देखा जाए तो अर्नब जैनाब का भी 2 ही गलत है, क्योंकि एक मिसक्लिक हुआ था. श्रद्धा, नचिकेत, अलाउद्दीन, नेहा कनिका, सतवीश देवनाथ एंड खुशी पूनिया, दीज आर द टॉप 2, बट बाकी डिफरेंस बहुत ज्यादा. सतवीश 14 क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन कहाँ गायब हो गए भाई. हाँ 3 क्लासेस है, एनरोल कर लो सब फटाफट से. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसने वो गुलाब जामुन एंड कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन ये सब थ्योरी दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है, रॉबर्टसन ने दिया था. यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और ट्राइलैमिलर सैंडविच मॉडल डेविल एंड डेंसन ने, सबको याद होना चाहिए ये, तो थर्ड विल बी द करेक्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस नेसेसरी फॉर द असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, हिट द करेक्ट वन. माइक्रोट्यूब्यूल्स के असेंबली के लिए कौन से आयंस इंपॉर्टेंट होते हैं, नेसेसरी है. फॉलोइंग वर द ऑप्शन, प्लीज हिट द करेक्ट वन. मिसक्लिक कर दिया. Only 45% students were correct. अभिजीत सिंह, मतलब ये टॉपिक अच्छे से नहीं है. सूरज, अर्नव एंड जैनाब खान, these are the top 3 students of today's session. माइक्रोट्यूब्यूल्स के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन रिक्वायर्ड होता है. कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन मेंशन इन द थर्ड वन, दैट्स व्हाई थर्ड विल बी द करेक्ट वन. एम्स 2011 में भी पूछा और 2013 में भी पूछा है, दोनों में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सीरीज. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड विद देयर प्रेजेंस इन फॉलोइंग वर द ऑप्शन, हिट द करेक्ट वन. रात 8 बजे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का थ्योरी पढ़ाऊंगी यहाँ पर, सॉरी 9 बजे, जरूर से ज्वाइन कर लेना. 8 बजे लेट्स क्रैक न्यू ट्यूजी पर सब आएंगे. ओके ये तो बहुत इजी था यार, इसमें भी रिजल्ट अच्छा नहीं है. 56% ओनली. बी एंड डी में डिफरेंस मैं बताती हूँ क्यों रंजन. अभी सूरज पाटिल, अर्नव एंड जैनाब खान, दीज आर द टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑफ टुडे सेशन. भाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करवाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाता है प्रोटीन सिंथेसिस, इसके अंदर इसका रोल है, और इसका है लिपिड सिंथेसिस में. तो सीक्वेंस वाइज देखो, लिपिड और प्रोटीन तो ठीक, पहले लिपिड और फिर प्रोटीन होना चाहिए इसमें, पहले प्रोटीन और फिर लिपिड है. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन नहीं, ये लिपिड का करवाता है, तो लिपिड एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर प्रोटीन, दैट्स व्हाई फोर्थ विल बी द करेक्ट वन, नॉट द सेकंड वन. समझ में आया क्यों रंजन. बस इतना सा डिफरेंस, लेकिन ये इतना सा डिफरेंस माइनस वन करा देगा, ठीक है. नेक्स्ट वन, नहीं डेली 6 PM नहीं होती, 4 PM पर होती ऑलमोस्ट. मैंने बोला ना academy.com@shivani1990 पर फॉलो करके गेट नोटिफिकेशन पर ऑन कर लो. मेरा टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर शिवानी भार्गव SBM के नाम से, इसे ज्वाइन कर लो और सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे. इफ अ बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैज टू बी डन, the best procedure would be following were the option and please hit the correct one.
30% नेम्स के क्वेश्चन ही लगा रखे क्या तुम लोगों ने? रिजल्ट अप टू द मार्क नहीं है, टाइम है, थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा पुश करो अपने आप को। और बच्चा ये 2020 ये पैंडमिक की वजह से जो आपका नीट का एग्जाम जो खिसक रहा है ना, इसका सबसे बड़ा बेकार ही ड्रॉपर्स को है। मतलब ऐसा ना हो, अगर 2020 में आपको थोड़ा सा भी शक है तो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2021। अपना साल खराब मत करना, पता लगा 2021 भी हाथ से गया। ठीक है, सूरज पाटिल, अर्णव एंड श्रद्धा पाटिलदर, दीज आर द टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑफ टुडे सेशन। कब तक क्लास? 7 बजे तक चलेगी। हाँ जी, बायोकेमिकल एनालिसिस सब्जेक्ट, आप इसको फ्रैक्शन करो सेंट्रीफ्यूगेस से, माइटोकॉन्ड्रिया में प्योर सेल मिलता है तो ये सबसे बेहतर तरीका है। एम्स 2013 का क्वेश्चन है, 4th विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट ढूंढना है रिगार्डिंग द बैंड रीजन ऑफ पॉलिटिन क्रोमोजोम, पॉलिटिन क्रोमोजोम के बैंड रीजन के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट पता करना है। फॉलोइंग वर द ऑप्शन, प्लीज हिट द करेक्ट वन। आज के क्वेश्चंस बाउंस हो रहे हैं, एम्स के क्वेश्चन बाउंस क्यों हो रहे हैं भाई? एम्स का क्वेश्चन है, यानी कि आपका मॉर्फोलॉजी और सेल बायो में उतना कमांड नहीं है, क्योंकि आज इसी के क्वेश्चन है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, आप एनसीईआरटी को आउट ऑफ सिलेबस बोल देते हो। नहीं, ऊपर से क्या खुशी है? मॉर्फोलॉजी अभी तो पढ़ाया है। शुभाजी एम्स ही टेंशन दे रहा है, बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ मैं। सूरज पाटिल, अर्णव राज एंड श्रद्धा पाटिदर, दीज आर द टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑफ टुडे सेशन। बेटा ये एक साइंटिस्ट के नाम पर है, ये कहाँ गया? फिलोजिन नेगेटिव एरिया, ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही होता है फिलोजिन, ये एक साइंटिस्ट के नाम पर है। ये आपका एक स्टेनिंग टेक्निक है, ठीक है? फेलोजिन स्टेन होता है, स्टेनिंग टेक्निक होती है। इसमें क्या होता है, जो आपका डीएनए जो है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। और पॉलिटिन क्रोमोसोम के अंदर डीएनए तो ऑब्वियस सी बात है प्रेजेंट है, तो फेलोजिन नेगेटिव नहीं पॉजिटिव एरिया आता है, दैट्स व्हाई इट इज द इनकरेक्ट वन। फेलोजिन एक स्टेनिंग टेक्निक है, डीएनए स्टेन होता है इससे, ठीक है? और आपको पता है क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पर डीएनए तो प्रेजेंट होगा, तो ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव एरिया, दैट्स व्हाई फर्स्ट विल बी द इनकरेक्ट वन। इसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक? नेक्स्ट, पीयू मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है, मैं बहुत जल्द बनाऊंगी टाइम, अभी बहुत बहुत शेड्यूल हैक्टिक चल रहा है मेरा। Which one of the following structure is an organelle within an organelle? क्योंकि मैं बहुत सारी नई नई चीजें आपके साथ लेकर आने वाली हूँ, सेशन के एंड में भी वही बताने वाली हूँ, बहुत एक्साइटेड चीजें हैं। Organelle within an organelle किसे कहा जाता है? Hit the correct one. थोड़ी सी रात मिली, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चे। ऐसे क्वेश्चन देख के शांति आ रही है। चलो, एम्स के क्वेश्चंस थे। सूरज पाटिल का 2 क्वेश्चन गलत, बाप रे डिफरेंस बहुत ज्यादा है आज, मैं कह रही हूं ना। अर्णव के और श्रद्धा, बाप रे बहुत ज्यादा, टॉप 10 में तो देखो कितना डिफरेंस आ गया, 17-9 क्वेश्चन गलत हो गए, 27 में से मतलब 40-50% गलत कर दिया। आज का रिजल्ट मजेदार नहीं है यार। सूरज पाटिल, अर्णव, श्रद्धा, जैनाब, नचिकेत, अलाउद्दीन, खुशी, समीक्षा, साक्षी एंड सत्वीश देवना, दीज आर द टॉप 10 स्टूडेंट्स ऑफ टुडे सेशन। ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल या फिर स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको बताने वाली हूँ, एंड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये सब हम किसके लिए कहते हैं? इट इज राइबोसोम, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एक्ट
एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ मीजोसोम, मीजोसोम का एकदम एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन आपको बताना है। फटाफट से हिट करें, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इजी क्वेश्चन है, कई बार किया होगा आपने ये। इसमें तो 91% दे देते यार। हाँ एनिमल किंगडम मैं करती हूँ, मेरे पास इस वाले घर में शायद ही हो, भेजती हूँ मैं उधर से मंगवा के। कर दूंगी एनिमल किंगडम, डोंट वरी। सूरज पाटिल, अर्णव राज, श्रद्धा, जैनब खान, नचिकेत, अलाउद्दीन, खुशी, समीक्षा, साक्षी एंड सतवीश देवनाथ, दीज आर द टॉप 10 स्टूडेंट्स ऑफ टुडे सेशन। लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा, 18 ही रह गए 10th में। बाप रे, 8th, 9th और 10th पोजीशन पे सिर्फ 18 बच्चे सही हैं, मतलब 9 क्वेश्चंस गलत हुए हैं आपके। मिस्टर फैंटास्टिक कार्तिक कुमार, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय साइड टू माय डियर बच्चे। कितना लेट ज्वाइन किया है, मतलब कितनी बार टेलीग्राम आईडी बता चुकी, ठीक है। डॉक्टर शिवानी भार्गव, एसवी मैम के नाम से ढूंढोगे मैं मिल जाऊंगी, हीरा मेरा लिंक टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लो ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ने आ जाना रात 9 बजे और 8 बजे एनिमेशन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। बस दुआ करो एनिमेशन काम कर जाए, उसी पर काम कर रही हूँ मैं भी, ठीक है। मीजोसोम के लिए आपके प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती है ना टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उसी को तो हम मीजोसोम्स कहते हैं। इट इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल फॉर्मड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म, दिस इज द मीजोसोम, बिल्कुल ठीक है। मैं पिन कर दूं, लो मैं पिन कर देती हूँ, मेरा टेलीग्राम आईडी मैं पिन ही कर देती हूँ, तो मैं रुक जाओ पिन कर रही हूँ, जिसने भी नहीं किया ना फटाफट से ज्वाइन कर लो। ये लो ठीक है, यहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा ठीक है बच्चों। इट इज ऑल अबाउट दिस, लेकिन सेशन खत्म नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट चीजें सुन लो। इसके बाद मैं एक बार इसको थैंक यू करके मैं आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स बता रही हूँ, बहुत सारा अपना शेड्यूल आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, बहुत बहुत बेहतरीन चीजें मैंने आपको आज मैंने आपके लिए की हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस मेरे साथ जुड़ के बने रहने के लिए। आप 2021, अगर 2021 और 2022 आपका टारगेट ईयर है तो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर प्लस चैनल वाई यूजिंग माई दिस कोड जो कि मेरा नाम है शिवानी। और अगर आप स्पेशल, सिर्फ शिवानी भी लगा सकते हो, और अगर आप स्पेशल क्लास के थ्रू जुड़ रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है आप एसपी जरूर लगाना आगे, तो मुझे पता लगेगा आप यहाँ से आए हो। तो शिवानी और शिवानी के आगे एसपी, स्पेशल क्लास का एसपी, एसपी शिवानी इज माय कोड। इससे आपको आपकी फीस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस अगर आप इसका स्क्रीनशॉट मुझे इस दिए गए नंबर पे भेजते हो 10% का डिस्काउंट तो तुरंत मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट 9549406721 आप मुझे अगर इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भेजते हो तो उसके बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। क्या? अच्छा, सिर्फ ऐसे नहीं कि प्रोसीड टू पे के पहले आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, पेमेंट के बाद इस कोड के साथ स्क्रीनशॉट लेना है। इस दिए गए नंबर पर भेजने से आप डायरेक्टली मेरी मेंटरशिप में, मेरे गाइडेंस प्रोग्राम में आ जाएंगे, मेरे सुपर 80s का हिस्सा बन जाएंगे। पूरे थ्रू आउट द ईयर नीट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, बैक पोर्शन कैसे कवर करें, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, क्वेश्चन बैंक सारा बायोलॉजी का मैं देती हूँ, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का कोटा का टॉप मोस्ट स्टडी मटेरियल आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आप मुझे यहाँ पर स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा। और आप जो कह रहे हैं ना मैम क्लास का पता नहीं चलता, यहाँ पर फॉलो करो बेटा, और सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे जरूरत लगेगी मैं खुद आपको कॉल कर लूंगी। यहाँ पर unacademy.com@shivani1990 पर मुझे फॉलो करके गेट नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, गेट नोटिफाई इस पर क्लिक कर दो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। कल भी मेरी सेशंस हैं यहाँ पर, संडे को बहुत सारे सेशंस, इसके बीच में भी मैं सेशन प्लान करने वाली हूँ, और आज रात 9 बजे दोबारा यहाँ पर सेशन है। और यहाँ पर भी आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं रेगुलर बेसिस पर मैसेज चेक करती हूँ यहाँ पर, लेकिन मैसेज में हाय हेलो करोगे तो आंसर नहीं मिलेगा, डायरेक्टली अपना क्वेरी लिख देगा, आई विल रिवर्ट यू अकॉर्डिंगली ठीक है। तो यहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अभी 8 बजे लेट्स क्रैक नीट यूजी पर हम मिल रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल
बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम में आते हैं 20 से 25 मिनट में, 20 से कम मिनट में हम कोशिश करेंगे इसको पूरा करने की और बहुत बेहतरीन तरीके से इसे हम कवर करेंगे. तो मेक इट श्योर कि आप मुझे लेट्स क्रैक पर ज्वाइन कर रहे हैं ठीक रात 8 बजे. और रात 10 बजे से कल से ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी. रात 10 बजे मैं नीट डेली डोज के तड़के में मैं कराऊंगी, ठीक है, आपको एनिमेटेड वीडियोस के साथ समझाऊंगी कुछ चीजें. और अगस्त का जो फर्स्ट फ्राइडे होगा मेरे लिए बुक कर लीजिएगा अभी से अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर. ये कभी नहीं हुआ, सरप्राइज है वो क्या है वो मैं डिक्लेयर नहीं करी, बट वो कभी नहीं हुआ जो मैं ये करने वाली हूँ. यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर पहली बार, वो अभी तक कभी हुई नहीं है, जो मैं अगस्त के फर्स्ट फ्राइडे को करूंगी. तो अगस्त का फर्स्ट फ्राइडे मेरे लिए बुक रखिएगा. और अगस्त के मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज में शुरू करने जा रही हूँ. और कल से रात 10 बजे का सीरीज मैं आपको डिक्लेयर कर चुकी हूँ एनिमेटेड वीडियोस के साथ हम मिलेंगे. और आज रात 8 बजे, ठीक है, और अनाउंसमेंट बाकी की क्लास में मैं आपको करूंगी. तो अभी 8 बजे मिल रहे हैं, फिर हम रात 9 बजे दोबारा मिल रहे हैं, ठीक है. लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग टू ऑल माई डियर एंड लवली स्टूडेंट्स. बाय बाय एवरीवन. Thank you so much.